अग्निशमन केंद्र ऊना में राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा सप्ताह के अंतर्गत आमजन को जागरूक करने का अभियान शुरू हो गया है। इस दौरान केंद्र में 2 मिनट का मौन रख आग बुझाते समय शहीद हुए फायर फाइटरों को श्रद्धांजलि दी गई। बताया गया कि हिमाचल में अग्निशमन विभाग का गौरवमय इतिहास रहा है। वर्ष 2009 में नालागढ़ में आग बुझाते समय 2 फाइटर शहीद हो गए थे। ऊना जिला में अग्निशमन कर्मचारियों ने वर्ष 2023 में बेहतर प्रदर्शन किया है। फायर फाइटर ने 13 लोगों की जान बचाई व 16 पशुओं को सुरक्षित किया है। 14 अप्रैल से शुरू हुए अभियान के अंतर्गत आमजन को आग को लेकर जागरूक किया जाएगा। अधिकारी द्वारा इतिहास बारे में बताया गया है कि 14 अप्रैल 1944 के दिन मुंबई में जहाज को भीषण आग लग गई थी। जहाज की आग बुझाते समय 66 फायर फाइटर शहीद हो गए थे। उनकी सेवाओं का स्मरण करते हुए राष्ट्र स्तर पर अग्निशमन सेवा सप्ताह में आमजन को आग के प्रति अलर्ट रहने के लिए जागरूक किया जा रहा है। दिस न्यूज इज स्पॉन्सर्ड बाय श्री चैतन्य इंडियाज बेस्ट कोचिंग फॉर IIT JEE एंड नीट प्रेपरेशन ब्रांच इन चंडीगढ़ एंड पंचकुला। मित्रों, आज हम यहाँ पर अग्निशमन सप्ताह जो पूरे देश भर में 14 अप्रैल से 20 अप्रैल तक मनाया जाता है के आयोजन हेतु एकत्रित हुए हैं। इस संदर्भ में मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इसी दिन यानी 14 अप्रैल 1944 को मुंबई की विक्टोरिया गोदी के पहले ठहराव में एक मालवाहक जहाज जो है वो खड़ा था, जिसमें 4:40 पर हुए भयंकर विस्फोटों की गर्जना से मुंबई हिलसा रहकर गया था। इस जहाज में लगभग 1200 टन विस्फोटक रुई की गांठें, तेल के ड्रमों के अलावा खाद्यान्न व अन्य सामग्री से लदा हुआ था। इसी बात से आप अनुमान लगा सकते हैं कि विस्फोटों की तीव्रता कितनी भयंकर रही होगी। प्रिंसेस और विक्टोरिया दोनों गोदियों में आग जो है फैल चुकी थी, जिससे उठने वाली लपटों को जो है मीलों दूर से देखा जा रहा था। समीपवर्ती मार्ग, इमारतें, रेलवे ट्रैक, विद्युत उपकेंद्र आदि विध्वंस हो चुके थे। अग्नि की लपटों से शहर को खतरा हो चुका था। 15 अप्रैल को तत्कालीन सत्तासीन प्राधिकारियों द्वारा शहर के मध्य मार्ग में जो है डायनामाइट द्वारा फायर लेन बनाने का जो है आदेश दिया गया। साथ ही गोदी की ओर से शहर का हिस्सा आग से तबाह होने के लिए भी मान लिया गया था, ताकि कम से कम आधे शहर को तो बचा। बात का जो है पक्का आंकड़ा जो है प्राप्त नहीं है, किंतु इसमें फंसे जहाज के कर्मियों व अन्य सरकारी कर्मचारियों द्वारा जो है अधिकारियों थी, जिनमें जो है 2 अग्निशमन कर्मचारियों की भी शहादत जो है। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए ऊना से MK जसवाल व मनिंद्र अरोड़ा की रिपोर्ट।